ये अपने लोगों से मिलती हूँ। Hi, nice to meet you. Fine. हाँ। प्लीज पहले एपिसोड देख लेते हैं, उसके बाद दिन ऑफ टाइम पहले प्लीज साइलेंस प्लीज। पहले ही पता था ये होने वाला है। देखो 7 बजे उसकी लैंडिंग थी, अब सूरज सर चढ़ने को है, लेकिन हमारा रणजीत गायब। ओ वो चाची जी, पहले ही कह रहा हूं, ठीक है, बस तो क्या है उसके अलावा क्यों गोली मारे दादू? टेक ऑफ लेट हुआ है, पर टेक ऑफ तो हुआ है। और लैंडिंग अगर लेट हो भी गई तो रणजीत जी उसी के इशारों पे चलेगा। Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain, Tanveer Singh Bajwa. Bangalore से दिल्ली जाने वाली आपकी उड़ान का आज मिलेगा। उड़ान में देरी के लिए हमें खेद है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इतने सारे समय पर हम दिल्ली पहुंच जाएं। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा शुभ। धन्यवाद। Good morning, Baba. Good morning, Ma. Good morning, Babu. Good morning. वैसे क्या कुछ है इस मॉर्निंग में बताओ सर। कब से बोल रहे हो? चाची जी, मैंने पता किया, रणबीर की फ्लाइट बेंगलुरु से तो टेक ऑफ हो चुकी है, पर अराइवल टाइम का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
अच्छा है पीछे छुपा हुआ है प्यारी लग रही है बहुत बढ़िया मजा आया Long way to go. Yeah. What part was? बहुत बार देख चुका हूँ इसको सेंटर सेंटर थ्री स्टार फिफ्टी सेकंड शो है स्पॉट एटी टाइम माय गॉड एंड कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन आई हैव नॉट सीन द फाइनल ट्रैक लाइक आई डोंट सी दिस आप लोग बताइए आप लोग हां ये इंपॉर्टेंट है एक ही आंसर देंगे क्या बहुत अच्छा है हां अच्छा हाँ यार मैं सच में ऊपर गया हूँ जाते हुए वो सब जो पैसेंजर बैठे थे वो बैठे थे मेरे साथ ये लेकिन शूटिंग हुआ ऊपर में ये फेक नहीं ये नीचे नहीं हुआ शूटिंग ये ऊपर नहीं हुआ था रियल फ्लाइट में फ्लाइट हायर करके ऊपर गया था तो यार ऑनेस्टली ऑन द रिलीज मुझे तो क्विज पकड़ी थी और पहली बार मैं एक सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा था तो आई डिडंट नो कि कैसे टर्न अप होगा एंड कैसे लगेगा मुझे थोड़ा नर्वसनेस थी थोड़ी एक्साइटमेंट थी और जब आप पहली बार मैंने आज देखा है तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस मे बी एटलीस्ट द लुक कैरेक्टर वाइज तो आपके धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को क्या लगा आपको सही लगे मेरे मस्त पिछले 6 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ दादा से मेरी 6 साल पहले बात हुई थी और मैं 6 साल से ट्रेनिंग ले रहा था और अब जाके मैंने फ्लैट उड़ाना सीख लिया तो पूरा शूटिंग ले लूंगा बड़ा नाम तो बराबर बोल रहे पकवान पकवान है हाँ Yeah, we were looking for a character who would be at the same time Dashi Pushi and also Vilma. Sufi, Sufi, uska soul mera hai. So he is a romantic character and at the same time he wants to fly, he wants to go for adventure, he biker hai. तो ये सब मिला के हमको हम जैसे आपको बताया गया मेरी फिल्म का नंबर कास्टिंग ऑल एक्टर्स हैं बट फॉर दिस कैरेक्टर समाउ हरमंस लुक इज अपीयरेंस इट मैच एंड आल्सो आई सॉ हिम इन हिज लास्ट शो व्हिच वाज माय फ्रेंड आल्सो
Vishnu Mohini mein phir usko dekha tha. So then I thought that okay, might try as well. So from there, he's my friend. He spoke highly about him. He's a thorough professional. He's a very nice guy. So sab mila ke choice right here. Rahman ko bhi approach kiya hum log. वो भी राजी हो गया एंड ऑल्सो द सरदार सब कुछ पार्टी में ये एवरीबॉडी डजंट लुक गुड मे बी दे आर गुड एट बट आई टोल्ड यू वी नीड अ लुक कूल बी डैशी खुशी मॉडर्न एंड फन एट द सेम टाइम हैव द ट्रेडिशनल वैल्यू एंड हैव अ सूफी पॉइंट ऑफ माइंड सो नाउ आई एम वेरी इंपॉर्टेंट सो ये सब हमको इधर मिला करवाना है कैरेक्टर को सोनाक्षी आपने सिंगिंग सच में सीखा क्योंकि फरमान तो कह रहे हैं कि उन्होंने सच में प्लेन उड़ाया है और वो आपसे नहीं बचपन में मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा एंड दैट इज व्हाई आई कुड कैच ऑन टू द रोल ऑफ लेखला तो वो मासूमियत और वो एक भाव जो है वो वहीं से ही आता है हमारे घर में भी संगीत सभी को बहुत पसंद है एवरीवन इज वेरी अटैच्ड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हमारे यहाँ पर गजल बजाई जाती थी और ये पूरा माहौल जो है वो बचपन से ही रहा है तो आई थिंक दैट प्रीटी मच हेल्प मी टू ग्रास्प दैट कैरेक्टर ऑफ मेघला लेकिन उसको डे आफ्टर डे लुक सेट करना पड़ा संडे आफ्टर डे मॉक्स करना पड़ा एंड टिल द लास्ट डे इट वाज नॉट इवन बिफोर द शूटिंग In the pilot, in fact, we could not realize whether Sonakshi is going to do it or some more shoes. I don't think she was also in big tension. Like, usko bahut tension chala. So, hum log usko bola ki, don't worry, just wait in the end. So, last me, wo Bajimaan gaya. So, usko hi mil gaya. Kyunki jo iska aapko pata tha, ye ek Bengali ka role hai, and jo singing mein hai. So, wo audition ka time, sang a Bengali song, which I heard. And we everybody liked. And also Gana, Prasad, Hansko, Sakal, sab kuch acche se gaya. So she was the choice. But usko bahut pareeksha So sir, kahin na kahin hum dekh rahe hain ki aap sabhi ke favorite channel ke favorite hain, both will be our favorite. So kahin na kahin professionalism maine rakha hai. Kahin na kahin har jagah matlab और आपके बारे में प्रोफेशनलिज्म काफी माना जाता है टाइम पर आना जाना काम करना कुछ वो किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आजकल एक्टर्स हिट हो जाते हैं यार भी आते हैं लेकिन थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में परेशान करते हैं लगता है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री में कब होती है आपको या तो चूज करना है या कुछ बड़ा काम करना है तो काम इसमें आपको मंदिरों से जोड़ना बोड़ा बन मैं बिलीव करता हूँ कि आपको अगर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है में तो यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी आपके लिए नहीं बनती है और जो 150 लोग और 200 लोग काम करते हैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन सबके टाइम पर रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज लुकिंग फॉर पीपल हु कैन can give you 100% in the work they do. जब आप काम कर रहे हो तो आप आधे मन से काम करोगे तो कोई मतलब नहीं मत रहो चले जाओ एंड अगर काम कर रहे हो एक्टिंग कर रहे हो या कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो आई थिंक यू कैन गिव यू 100% देन टू द जॉब अदरवाइज डोंट डू इट एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज कि आप आओ हर दिन आए दिन आओ गिव योर 100% गो बैक होम फील गुड कम स्लीप कम बैक अगेन इन द सेम थिंग It's just how it's supposed to be. It was a wonderful experience. It's still going on. I think it's going to be a wonderful journey for me. Character ke bare mein aisa hai ki she is a simple girl. She is from Delhi. I am from Delhi. She is a singer. Hindustani classical music usko pasand hai. And she is a very simple girl. आसान मतलब सिंपल जिंदगी चाहती है वो एंड शी इज समवन यू कुड रिलाय अपॉन ऐसी इंसान है
तो या सो इट्स बीन अ गुड जर्नी फॉर मी एंड इवन विद द प्रोडक्शन हाउस आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर व्हाइल वर्किंग एवरीवन इज वेरी वार्म एंड देयर सो मच लव एंड सपोर्ट दैट यू कैन फील ऑन द सेट सो दैट्स रियली गुड द शो में आप कह रहे हैं कि पैशन तो पैशन में मायने रखना चाहिए हर कोई अपने कैरेक्टर अपने लाइफ में आप क्या कहना चाहते हैं पैशन इज अ वेरी मैंने अभी बोला सिंगल वाइज में काम करना कितना इंपॉर्टेंट है ऑल दिस कम्स फ्रॉम पैशन अभी मुझे एक्टिंग करना इतना मुझे पसंद है इसलिए सेट पे रहना इतना पसंद है मैं सिर्फ सेट पे एक्टिंग करके नहीं निकला मैं वहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी से बात करता हूँ मैं लाइट पे से बात करता हूँ से बात करता हूँ मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ मैं शॉर्ट देखता हूँ तो ये सब चीजें ना पैशन से ही आ सकते हैं आई थिंक पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक वी टू बी मेकिंग शोज सो मेनी अमेजिंग हिट शोज Until now, all that has come from passion. Agar 9-to-5 job to nahi chahiye, humne kisi ko bitha ke karwa raha hai. We always work for passion. We're all here for passion. And all of us, I think, at some point, are here for passion. This city is about dreams, and we're here to fulfill our passions and dreams. And if you don't, आपके problem को तुम्हें सवाल किसी ना किसी जवाब के हिसाब से करना है. कोई जब थोड़ा स्टार्टअप या थोड़ा तो नाम हो जाता है, तो किसी बात को बोलो इतना आ जाता है. मुझे भी कभी समझ नहीं आया कि पहली बात को मुझे लगता ही नहीं कि कोई बड़ा जब आपको अंदाजा उस चीज का हो जाएगा आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने अगले बारे में चीज हवा आई तो मुझे नहीं होती मुझे लगता है कि बहुत लोग होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं तब जाके हमारा प्रोडक्ट एक मुकाम पे पहुंचता है हम उसको सिर्फ डिलीवर करते हैं Yes. Thank you guys. Thank you. Keep watching the show. Love you. Thank you. Thanks so much. Yellow payment.